अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं जो आप लोगों के लिए लुक लेकर आई हूँ वो है ट्रेंडिंग लुक। बहुत ही यूनिक सा लुक है और बहुत ही इजी लुक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो मेन शेड हमने इस लुक में यूज़ की है वो है शॉकिंग पिंक शेड। वो लोग आप अपनी नीड के मुताबिक जो है चेंज कर सकते हैं अपने ड्रेस के मुताबिक। बाकी जो ब्लैक शेड है वो तो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर ये लुक कंप्लीट ही नहीं है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ जी। सबसे पहले जो मैंने शेड लेना है वो है शॉकिंग पिंक शेड जी। मेकअप के साथ साथ आप लोगों ने ब्रशेस का भी ख्याल रखना है कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इस शेड को हमने अप्लाई करना है अपनी क्रीज लाइन पे, ब्रो बोन तक हमने इस शेड को लेकर जाना है। उसके साथ साथ हमने लोअर लाइन पे भी अप्लाई करते जाना है। जो जो शेड लेंगे हमने अपर लाइन पे और लोअर लाइन पे हमने सेम जो है इसको अप्लाई करना है। शॉकिंग शेड मैंने अप्लाई कर ली। उसके बाद मैंने जो शेड लिया है वो है पर्पल शेड, मतलब इस शेड का थोड़ा डार्क कलर है, तो हमने उसको अप्लाई करना है अपने आउटर कॉर्नर पे क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे, उसके साथ ही हमने लोअर लाइन पे भी। तो इसके साथ साथ अच्छी तरह से इन शेड्स को हमने ब्लेंड करना है। इनर कॉर्नर जो है हाफ आई पे हम ये मेकअप करेंगे। हमने जो बाकी रिमेनिंग हाफ आई है उस पे हमने शेड्स ये वाली बिल्कुल भी नहीं लगानी है, आउटर कॉर्नर ही जस्ट हमने ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट करना है। उसके बाद जी ब्लैक शेड लिया है, इसको हम आउटर वी पे और अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ लोअर लाइन पे भी इसी शेड को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। आउटर कॉर्नर को हम अच्छी तरह से डार्क करेंगे। ये स्मोकी सा हमारा लुक हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेंडिंग लुक है। तो उसके बाद हमने ब्रश की हेल्प से ब्लैक और शॉकिंग पिंक शेड को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है जी। अभी मैंने सेम शेड लिया है स्किन कलर का, मतलब जो मेरी आई का कलर है वही शेड लिया है। उसको मैंने हाफ आई पे जो इनर कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर अप्लाई करना है, जस्ट मेकअप को नीट करने के लिए, लुक को नीट करने के लिए। बाकी हमने कोई शेड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देनी है। उसके बाद लोअर लाइन पे भी जो हाफ लाइन है यहाँ पर भी हमने यही शेड अप्लाई करनी है। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी कलर नहीं आया है। इनर कॉर्नर में जो है मैंने सिल्वर हाइलाइटर ग्लिटरी सा इसको अप्लाई करना है विद हेल्प ऑफ फिंगर, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब जी लैशेस को हमने करना है मस्कारा। ये लुक टीनेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वेडिंग गेस्ट के तौर पे भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद पार्टी मेकअप भी बेस्ट है, ये स्मोकी लुक है, बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत सा। उसके बाद लोअर लैशेस को भी हमने जी मस्कारा किया है अच्छी तरह से। तो आप लोगों को पता है मस्कारा करने के बाद जो आर्टिफिशियल आई लैशेज है वही हम अप्लाई करते हैं, तो लुक हमारा हो गया जी कंप्लीट। बहुत ही आसान सा लुक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देना है कि लुक आप लोगों को कैसा लगा। फेवरेट लुक क्रिएट करवाने के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अंडर आई में हमने कोई भी शेड या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यही जो हमने शेड्स अप्लाई की हुई हैं इन्हीं को हमने थोड़ा थोड़ा सा अंडर आई में भी अप्लाई कर दिया था जी। एज़ यूजुअल आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना न्यू अपडेट्स के लिए जी। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।